तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर रिवीजन। इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 844 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम रिवीजन कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 855 से, ठीक, वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। वो कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 856। वो कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है? किस फ्रैक्चर में हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है, बताएं। सही जवाब होगा मिश्रित। मिश्रित या कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है। प्रश्न नंबर है 857। मामूली चोटें और स्क्रैप त्वचा का होना क्या कहलाता है? एब्रेजन या कॉन्ट्यूजन या फिर ब्रयूस? क्या होगा इसका सही जवाब? एब्रेजन। मामूली चोटें और स्क्रैप त्वचा का आना एब्रेजन कहलाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 858। सीधे प्रहार से त्वचा में घसीट होना क्या कहलाता है? सीधे प्रहार से त्वचा में घसीट होना ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्यूजन या फिर ब्रयूस, बताएं। सही जवाब कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन, ठीक है ना। सीधे प्रहार से त्वचा में घसीट होना ये कॉन्ट्यूजन कहलाता है। प्रश्न नंबर 859। तेज प्रहार या सतह पर चोट आना, तेज प्रहार या सतह पर चोट आना ये क्या कहलाता है? सही जवाब बरयूस। इसको कहेंगे बरयूस, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 860। भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 15 जून 1972 में भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, तो इनको जरूर एक बार याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 861। NIOS की स्थापना कब हुई थी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? 3 नवंबर 1989। 3 नवंबर 1989 में NIOS यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 862। NSS यानी NSS की स्थापना कब हुई थी, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। सही जवाब 24 सितंबर 1969। 24 सितंबर 1969 में NSS की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 863।
IGNOU यानी इग्नू की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। सही जवाब सितंबर 1985। ठीक है ना, सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1985 में हुई थी। प्रश्न नंबर 864, सैफ का गठन कब हुआ था, सैफ का गठन यानी सैफ खेलों का गठन किस वर्ष हुआ था। सही जवाब 1983 में सैफ खेलों का गठन हुआ था। ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन का गठन कब हुआ था, 1983 में। अब इसे SAG के नाम से जाना जाता है, यानी साउथ एशियन गेम्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 865, पहले सैफ खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया गया, पहले सैफ खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया गया था ये बताना है। सही जवाब 1984 में कहाँ पर, नेपाल काठमांडू में पहले सैफ खेलों का आयोजन किया गया था। अगर ये पूछा जाए गठन कब हुआ तो 1983 में, पहले सैफ खेलों का आयोजन कब किया गया तो 1984 में। ठीक, प्रश्न नंबर 866, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना। सही जवाब 1972। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 867 की। ठीक है, त्वचा टूटे खून बहे तो इसे क्या कहते हैं, अगर त्वचा टूट जाए और उसे ब्लीडिंग होने लगे तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बताएं। सही जवाब लेसीरेशन। इसमें त्वचा टूट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, उसे बोलते हैं लेसीरेशन। प्रश्न नंबर 868, संकुचन के साथ मांसपेशी का छोटा होना क्या कहलाता है, संकुचन के साथ मांसपेशी का छोटा होना क्या कहलाता है, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, दोनों में से क्या होगा। सही जवाब आइसोटोनिक। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 869, कौन सा ऐसा संकुचन है जिसमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों प्रकार का संकुचन होता है, वो कौन सा ऐसा संकुचन है जिसमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों प्रकार का संकुचन होता है। सही जवाब क्या होगा, आइसोकाइनेटिक संकुचन जो है, ऐसा संकुचन है जिसमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक संकुचन दोनों होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 870, आइसोमेट्रिक संकुचन, ठीक है, आइसोमेट्रिक संकुचन किसे कहते हैं या आइसोमेट्रिक संकुचन से क्या तात्पर्य है, इसमें होता क्या है, सही बताएं। जी, आइसोमेट्रिक संकुचन में होता क्या है, इसमें पेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक संकुचन। ठीक, प्रश्न नंबर 871, आइसोकाइनेटिक का अर्थ क्या होता है, आइसोकाइनेटिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सही जवाब होगा कुछ गति, इसका अर्थ होता है कुछ गति यानी कुछ मोमेंट। ठीक है,
ये होता है आइसोकाइनेटिक का अर्थ। प्रश्न नंबर 872, आइसोकाइनेटिक का प्रयोग होता है किस खेल में, आइसोकाइनेटिक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? फ्री स्टाइल। आइसोकाइनेटिक का प्रयोग फ्री स्टाइल तैराकी और या फिर बाहों से धकेलने में आइसोकाइनेटिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 873, आइसोकाइनेटिक का विपरीत क्या होगा? जैसे पेपर में पूछे जाते हैं बस उतनी ही चीज़ें बताई जा रही है और इसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, एक समय में कई चीज़ क्लियर करने की कोशिश ना करें। ये जितना भी दिया जा रहा है पेपर ओरिएंटेड है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फर्जी इसमें कोई नहीं, जितना ज़रूरत है बस उतने बताया जा रहा है। ठीक है, आइसोटोनिक का विपरीत क्या होगा? कौन सा संकुचन होगा आइसोटोनिक का विपरीत? सही जवाब एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक ठीक है ना, आइसोटोनिक का विपरीत होता है एक्सेंट्रिक संकुचन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 874, किस संकुचन के साथ पेशी लंबी हो जाती है? किस संकुचन के साथ पेशी लंबी हो जाती है? सही जवाब क्या होगा? एक्सेंट्रिक संकुचन। एक्सेंट्रिक संकुचन के साथ पेशी लंबी हो जाती है। प्रश्न नंबर होगा 875, एबडक्शन क्या है? एबडक्शन क्या है, इसमें क्या होता है बताएं? एबडक्शन क्या है? सही जवाब क्या होगा? उठाना या बाहरी गति को एबडक्शन कहते हैं। उठाना या बाहरी गति को एबडक्शन कहते हैं। प्रश्न नंबर 876, मोड़ना, गर्दन झुकाना, ठीक है, ये किस प्रकार का संकुचन है? मोड़ना, गर्दन झुकाना, ये क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। ठीक, क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है ये बताना है। तो एक्सटेंशन है विस्तारण या बढ़ाना। विस्तारण या बढ़ाना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।